अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हैं इन्फो बाय शहजाद। जी दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जो टोयोटा योरिस का म्यूज़िक या इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके बारे में बताऊंगा। ये मैं टोयोटा योरिस का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने ऑन कर दिया है, ये स्टैंडर्ड है जो कि इसके अंदर आता है और 1.3 वेरियंट के अंदर, तमाम जो 1.3 वेरियंट है उनके अंदर आता है। तो आपको थोड़ा सा इसका एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं ब्लूटूथ है, इसके बाद सीडी है, इसके बाद ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी के बाद के थ्रू आप इसको कोई भी आप मोबाइल फ़ोन को अटैच करना चाहें अटैच कर सकते हैं। रेडियो है, यूएसबी है, तो ये तकरीबन मोड्स इसके अंदर आते हैं। ये यूएसबी आप इसको खोलते हैं तो इसके अंदर जो है ना यूएसबी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यूएसबी इंसर्ट की है और ऑटोमेटिकली उसने रिकग्नाइज कर लिया और जो है ना सॉन्ग वो प्ले हो गया है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि मोड्स आप कह सकते हैं। ये ब्लूटूथ की ऑप्शंस हैं अगर आपने कॉल रिसीव करनी है, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। ब्लूटूथ फ़ोन के ज़रिए आप कॉल जो है ना वो इसके ज़रिए अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेटिंग्स हैं, अगर आप मेन्यू में जाना चाहें तो ये सेटिंग्स का जो बटन है इसमें आके डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वो आप मेन्यू जो है ना अप डाउन करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो नीचे प्ले का बटन आ रहा है आप उसको दबाएंगे तो आप उस मेन्यू की सेटिंग के अंदर ड्रिल डाउन मज़ीद जो है ना वो कर जाएंगे। तो ये एक इसका जो ऑप्शन है वो मैंने कहा आपको बता दूँ। ये फंक्शन का कंट्रोल है, फंक्शन का कंट्रोल अब मैं देखें आपको अप डाउन कर रहा हूँ तो देखें ऑप्शंस जितनी भी हैं वो आपको इसके अंदर व्यू हो रही हैं। और किसी ऑप्शन के अंदर जाने के लिए आपने उसकी प्ले का बटन दबाना है तो आप उस ऑप्शन के अंदर ड्रिल डाउन मज़ीद कर जाएंगे और जाके फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी चेंज करनी है इसकी सेटिंग। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था वो आपको मैं देना चाह रहा था। यह डिस्प्ले का बटन है, अगर आपने डिस्प्ले ऑन ऑफ़ करना है आपकी जो म्यूज़िक या हेड यूनिट वो ऑन रहेगा लेकिन डिस्प्ले जो है ना आपका ऑफ हो जाएगा। और ये पावर ऑफ का बटन है और मैंने पावर ऑफ कर दी। इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें।